वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्लक्सनल लिगेंड है, फ्लक्सनल लिगेंड। तो आज ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ओएमसी हमारी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो फ्लक्सनल लिगेंड क्या होता है? फ्लक्सनल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो अपनी हेप्टासिटी चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। फ्लक्सनल लिगेंड्स आर दोज लिगेंड विच चेंज देयर हेप्टासिटी ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्लक्सनल लिगेंड। तो हेप्टासिटी जो बदल ले उसको बोलते हैं फ्लक्सनल लिगेंड। जैसे कि ये रिएक्शन है, मतलब ये हमें कंपाउंड दे रखा है, हमें ये दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है ये? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितने कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 5 करता है, ये 2 करता है, ये 2 करता है, ये 8 करता है, ठीक है। तो ये काउंट कर लेना आप कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या होगा, एक CO बाहर चला जाएगा, एक CO बाहर निकल जाएगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे करेगा? ऐसे करेगा, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। तो अब ये कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है और एक CO बाहर जा चुका है। तो मतलब इसने क्या किया, अपनी हेप्टासिटी चेंज की। पहले क्या था, η1 था और अब क्या है, ये η1 से η3 हो चुका है। पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब कितने कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसने अपनी हेप्टासिटी बदल ली है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्सनल लिगेंड। जो ड्यूरिंग रिएक्शन जो अपनी हेप्टासिटी को बदल ले, दोज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज फ्लक्सनल लिगेंड। इसकी बात करते हैं, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर मैं दे तो इसको कंडीशंस लगा दी जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा साइक्लोपेंटाडाइन जो है, ये η1 हेप्टासिटी है इसकी। क्या है? η1। अब आपको भी पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। η1 से η5 मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, η1 में 1 करता है, η5 में 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कितने करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये दोनों बाहर जाएंगे तभी ये η5 दिखाएगा, तभी ये η5 दिखाएगा, अपनी हेप्टासिटी चेंज करेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को बाहर निकाल दिया, ये भी आउट, ये भी आउट। नाउ ये आउट कर ही दीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको, या फिर बोले तो इसको निकाल दीजिए। निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। अब ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 5 करेगा। कितने करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक है। अब η1 से क्या होगी इसकी हेप्टासिटी, η5। तो इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, फ्लक्सनल लिगेंड। सेम इसी प्रकार से भी क्या, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसने क्या दिखा रही, η1 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, η1 से η3 हो जाएगा ये, η1 से η3 हो जाएगा ऐसे, और एक CO बाहर, एक CO बाहर। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है अभी भी ये, η1 से η3 हो गया, 18 के 18 है। और ऐसे लिगेंड का नाम क्या दिया जाता है, फ्लक्सनल लिगेंड, ठीक है। तो अपनी हेप्टासिटी को बदल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जहां एक कंट्रीब्यूट करते हैं वहां 3 कर रहा है, जहां पे 1 कर रहा था वहां 5 कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा था वहां पे 3 कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इतना इजी सा टॉपिक था, वैसे करते रहते हो, फ्लक्सनल लिगेंड ये होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इतने आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है।